Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine. और आज फाइनली एक साल के बाद ये वीडियो शूट हो रहा है तो इसका पार्ट वन मैंने पिछले साल शूट किया था दैट वाज विंटर एसेंशियल्स फॉर योर हेयर एंड योर बॉडी एंड आई प्रोमिस यू अ पार्ट टू जहां मैं शेयर करूंगी ऑल द विंटर एसेंशियल्स फॉर योर फेस बट वो वीडियो उसके बाद मैं शूट करना ही भूल गई एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट नाउ बिकॉज विंटर्स आने लग गए हैं एंड ऑल अभी रज़ाई कम्बल और गर्म कपड़े नहीं निकले हैं बट यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे हमारी स्किन भी चेंज हो रही है एंड यू नीड टू टेक इन शेयर करने वाली दैट इज योर फेस एंड ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे विंटर्स में हमारी स्किन चेंज होती है और ताकि उसी हिसाब से आप अपनी स्किन का ख्याल रख पाए सो मैं इस वीडियो में कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी दूंगी और मैं डिस्क्रिप्शन में और भी रिकमेंडन दे दूंगी जो प्रोडक्ट्स मैं यूज करूँ क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स अगर अभी वीडियो में दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आई विल फोकस मेनली ऑन द प्रोडक्ट इनग्रीडियंट्स दट आई है डिस्क्रिप्शन तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज मेक श्योर टू हिट दट रेट सब्सक्राइब बटन एंड द नोफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अवियो नाउ विदउट एनी फॉर दर ब्लैबरिंग लेट जिस डाइव राइड इन टू द वीडियो तो सबसे पहले बात करते हैं वॉट आर द स्किन चेंजेस दैट यू आर गो ऑब्जर्व एज द विंटर्स अराइव तो सबसे पहली चीज़ जो होती है विंटर्स आते आते हम लोगों की स्किन थोड़ी और ड्राई होने लग जाती है सो so, जो ड्राई स्किन पीपल होते हैं उनकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है ऑयली स्किन पीपल कॉम्बिनेशन होने लगते हैं और कॉम्बिनेशन स्किन ड्राई होने लगती है सो आई एम एन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप एंड आई एम ऑब्जर्विंग कि जैसे जैसे ठंडियों का मौसम पास आते जा रहा है वैसे वैसे मेरी स्किन थोड़ी थोड़ी ड्राई होने लग गई है एंड आई एम नाउ कॉम्बिनेशन स्किन मेरे टी जोन पे ऑयल आ रहा है वो कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू द समर्स बट स्टिल माई जोन इज़ अ लिटिल बिट ऑयली बट माई रेस्ट ऑफ द फेस इज़ वेरी वेरी ड्राई दीज डेज एंड दैट इंडिकेट्स कि विंटर्स आ चुके हैं तो मैंने अपना स्किन केयर रूटीन थोड़ा बहुत चेंज करा है वही मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो मैं ध्यान रखती हूँ दैट इज़ टू स्किप ऑन एक्सपोलिएटर्स दैट आर वेरी वेरी हार्श एंड स्ट्रांग तो जैसे मैं ए एच ए बी एच ए पील्स यूज़ करती हूँ वो मैंने स्किप कर दिए हैं आप लोगों को विंटर्स में डेफिनेटली अपनी स्किन एक्स एक्सपोलियेट करनी है वरना बहुत ज्यादा डेड स्किन बिल्डअप हो जाएगा एंड ऑल्सो सीबम प्रोडक्शन यू नो क्लॉक करेगा आपके पोर्स को सो यू कैन ब्रेक आउट सो आप लोगों को एक्सफोलिएट तो करना है बट डू नॉट यूज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटर्स तो वट आई एम डूइंग दीज डेज इज आई एम यूजिंग माइल्ड एक्सफोलिएशन ताकि मेरी स्किन एक्सफोलिएट हो बट उतना ज्यादा हार्श रिएक्शन ना हो ताकि मेरे फेस यू नो ब्रेकआउट करने लग जाए एक्सट्रीम ड्राइनेस की वजह से सो टू एक्सफोलिएट माई स्किन दीज डेज मैं यूज कर रही हूँ एस प्रोडक्ट्स जैसे कि ये फेस वॉश है एसिड फेस वॉश काफी ज्यादा यू नो काम और जेंटल फेस वॉश है इसमें सीका भी है और ग्रीन टी भी है तो ऑयली स्किन uh, के लिए अच्छा है एंड सीका आपकी स्किन को काम भी करता है एंड प्लस ये फेस वॉश काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग फील करता है इट डज नॉट स्ट्रिप ऑफ माई यू नो नेचुरल ऑयल्स सो आई एम यूजिंग दिस फेस वॉश ताकि थोड़ा थोड़ा जेंटली एक्सपोलियट भी हो एंड अदरवाइज आई यूज दिस टोनर फ्रॉम की ये डॉटिन की का वाटर

चाहे वो ड्राई स्किन पीपल हो या ऑयली या कॉम्बिनेशन कोई भी स्किन टाइप हो ये इंग्रेडिएंट अपने स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विंटर्स में एंड दैट इज़ हाइलोरॉनिक एसिड और मैं यूज़ करती हूँ हाइलोरनिक एसिड सीरम मेरा फेवरेट हाइलोरिक एसिड सीरम है बाय प्लम अभी मैंने लॉरियाल का ट्राई नहीं किया है बट आई हेव हॉट वेरी वेरी गुड रिव्यूज़ अबाउट इट तो मैं उसको डेफिनेटली चेकआउट करने वाली हूँ बट मेरा प्लम वाला अभी मैंने ओपन नहीं किया है एक मैं एम कर चुकी हूँ अभी मैं ये वाला यूज़ करो अर्बन बोटानिक्स का टू पॉइंट फाइव परसेंट हाइलोरॉनिक एसिड सीरम आई वॉन्ट टू सी दिस इज एनी गुड बिकॉज ये अच्छा प्राइस में मेरे को मिलाता है दिस इज फाइव हंड्रेड रुपीज फॉर थर्टी एम एल सो इट इज क्वाइट डिसेंटली प्राइस तो मैं भी इसको यूज कर रही हूँ देखने के लिए कि इफ दिस वर्क गुड और नॉट एंड आई विल डेफिनेटली रिव्यू वन आई एम टी दिस वन सो हाइलोरॉनिक एसिड के बाद जो दूसरा सीरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विंटर्स में दैट इज रेटेनॉल बिकॉज आई फील रेटिनॉल आपको ऑल अराउंड द ईयर यूज करना चाहिए बिकॉज ये आपका कोई लार्जन प्रोडक्शन इंक्रीज करता है सेल टर्न ओवर का रेट भी इंक्रीज करता है एंड प्लस इट हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज सो इट इज अ वेरी वेरी गुड इन्ग्रीडियंट टू यूज थ्रू आउट द ईयर बट विंटर्स में मैं ये वाला यूज करती हूं रेटिनॉल एंड इफ यू विल सी देन दिस इज एन ऑयल बेस्ड सीरम दिस इज नॉट वाटर बेस्ड आई डू नॉट यूज ऑयल बेस्ड सीरम्स इन समर्स बिकॉज मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली है एंड देन इफ आई यूज दिस वन तो मेरी स्किन थोड़ी ज्यादा ऑयली फील हो जाती है तो मैं इसको विंटर्स विंटर्स में ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर करती हूँ समर्स में मैं इसे अपने हैंड्स वगैरह पे यूज़ कर लेती हूँ सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन कि अगर आप कोई भी इंग्रेडिएंट आपको अपनी स्किन पे पसंद है लगाना सो ट्राई यूजिंग ऑयल बेस्ड वर्जन ऑफ दैट बहुत ज़्यादा ऑयल्स लेयर मत कर लेना अगर आप ऑयली स्किन हो बिकॉज देन ऑब्वियसली यू यू माई टेन टू ब्रेक आउट सो या ये मैं रेटिन यूज़ करती हूँ इसके अलावा मैं ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट और कोई इतना यूज़ करती नहीं हूँ देन टॉकिंग अबाउट मॉइस्चराइजर तो जैसे जैसे सर्दियाँ आती है मैं जेल बेस्ड मॉइस्टराइजर्स को छोड़ के क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करती हूं बट बहुत ज्यादा थिक क्रीम्स मैं नहीं यूज़ करती बिकॉज आई आई स्टिल एम एन ऑयली स्किन सो डोंट टू यू नो क्लॉग पोर्स और इंक्रीज द दोडक्शन एनी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट सो मैं इतना हैवी कुछ अपने फेस पे नहीं लगाती आई यूज दिस वन दिस इज फ्रॉम निविया मॉइस्चराइजिंग क्रीम फेस बॉडी हैंड्स तीनों के लिए है सो यू कैन यूज इट ऑल ओवर योर बॉडी और ये काफी ज्यादा अच्छा है लाइट वेट है स्टिल बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है बिकॉज इट इज बेस्ड सो इट परफेक्ट ना बहुत ज्यादा हैवी फील करता है ना बहुत ज्यादा ही लाइट है तो ये ऑयली कॉम्बिनेशन ड्राई तीनों ही स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है बट इफ यू आर अ ड्राई स्किन टाइप पर्सन एंड यू फील की मॉइस्चराइजर से आपका काम पूरा नहीं बन रहा है सो यू हैव टू ट्राई आउट फेस ऑयल्स अगर आप ड्राई स्किन टाइप हो तो फेस ऑयल्स तो आपके पास होने ही चाहिए स्पेशली विंटर्स में बिकॉज विंटर्स में आई हैव सीन ड्राई स्किन पीपल के नॉट डू विदाउट फेस ऑयल्स उनकी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है कि मॉइस्चराइजर भी थोड़ी देर में उनकी पूरी स्किन एब्सॉ कर लेती है सो यू हैव टू ट्राई आउट फेस ऑयल्स सो वन ऑप्शन कैन बी ऑइल्स लाइक दिस दिस इज़ रोज एंड बीट रूट ऑयल तो ये डल और अनिवन स्किन टोन को टारगेट करता है एंड एट द सेम टाइम फेस ऑयल है तो आपको बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंड मॉइस्चर प्रोवाइड करता है अपार्ट from these, यू कैन यूज कुमकुमादि तैलम वो बहुत ही अच्छा एक ग्लो आपकी स्किन को देता है मेरे पास इतने ज़्यादा फेस ऑयल रेकमेंडेशन नहीं है आई हैव थ्री रेकमेंडेशन बिकॉज आई हैव ट्राइड देम आउट ऑन माई मॉम बिकॉज वो भी ड्राई स्किन टाइप हैं सो मैं वो सब कुछ लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन और अगर आप ऑयली स्किन टाइप पर्सन हो और आपके पास फेस ऑयल्स हैं आप उनको अपने हाथों पर यूज़ कर सकते हो क्योंकि विंटर्स में हमारे हाथों की स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और हाथ बहुत ज़्यादा डल और एकदम बेजान लगने लग जाते हैं तो आप अपना फेस ऑयल अपने हाथों पे भी यूज कर सकते हो दैट इज वॉट आई डू टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस सनस्क्रीन तो सनस्क्रीन्स तो मैं बोलती हूँ चाहे विंटर हो समर हो आप घर के बाहर जा रहे हो घर के अंदर हो कहीं भी हो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड विंटर्स में आई मूव टू यू नो सनस्क्रीन क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन रादर देन जेल बेस्ड तो सनस्क्रीनस तो मैं स्टिल ऑल अराउंड द ईयर मोस्टली सेम ही रखती हूँ उसके नीचे मैं थोड़ा मॉइस्चराइजर थिक कर लेती हूँ टू प्रोवाइड इनफ हाइड्रेशन एंड ऑल्सो वन ऑप्शन दैट आई हैव इज़ दिस वन ये एक सनस्क्रीन ऑयल है और ये ऐसे स्प्रे फॉर्म में आता है तो आप इसको ऐसे स्प्रे कर सकते हो अपनी फेस और बॉडी दोनों में और बहुत ही लाइट ऑयल है तो उतना ज्यादा हैवी भी फील नहीं करता एंड देन ये आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देता है और साथ के साथ एस भी आपको मिल रहा है तो इससे बेहतर तो क्या ही होगा ये मेरे पास नया आया है बट देन ये एस पी है तो घर के अंदर ये काम कर जाएगा घर के बाहर के लिए ये एस थोड़ा सा कम पड़ जाएगा सो यू कैन स्टिल लेयर इट आप ताकि ऑयल से आपको हाइड्रेशन भी मिल जाए एंड देन यूज़ अ गुड एस पी एफ फिफ्टी सनस्क्रीन अंडरनीथ इट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट यूज़ सेरेमाइज इन योर स्किन केयर रूटीन नाउ अभी मेरे पास ये है सेरेमाइड लोशन uh, ये आफ्टर सन लोशन है बट मैं इसको मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ स्पेशली रात में तो रात में आई प्रेफर यूजिंग लाइक थिक मॉइस्चराइजर्स या ओवरनाइट स्लीपिंग मास्क ताकि मेरे स्किन को रात भर मॉइस्चर uh, मिलता रहे मेरे स्किन का बैरियर रिपेयर हो जाए रात में एंड सुबह तक माई स्किन फील्स वेरी वेरी प्लम्प एंड हाइड्रेटेड और वो एक बहुत अच्छा सा ग्लो मिलता है एंड सेरेड अगेन वन ऑफ दोज इन्ग्रीडियंट जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड स्किन बैरियर रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है सो so, विंटर्स में सेरेमाइज आपके मॉइस्चराइजर में अगर है सो दैट इज़ अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट तो मेक श्योर कि अगर आप अभी नया मॉइस्चराइजर कोई खरीदने जा रहे हो ट्राई एंड बाई सम विथ सेरेड इन इट एंड यूल बी सॉटेड तो दिस इज वट आई हैव बीन यूजिंग दीज डेज नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि काफ़ी लोग स्किप करने लगे हैं इज़ आई क्रीम क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को बोलते सुना है कि आई क्रीम्स डोंट डू एनी थिंग स्पेसिफिक बट देन आई अग्री एंड डिसअग्री जैसे कि ये आई क्रीम है इसमें कैफीन है ना कैफीन इज़ वेरी वेरी गुड टू ब्राइटन अप योर अंडर आइस तो दिस इज द वन दैट आई हैव बीन यूजिंग दीज डेज एंड ऑल्सो वन बाई प्लम दैट इज़ वाइटमिन सी तो उसमें वाइटमिन सी अगैन अ ब्राइटनिंग इन्ग्रीडियंट मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है बट हाँ अगर यही सेम इन्ग्रीडियंट्स आपके मॉइस्चराइजर में भी हैं सो वट आई वुड रिकमेंड इज आफ्टर यू अप्लाई मॉइस्चराइजर टेक अ लिटिल बिट मोर और अपने अंडर आई के नीचे एक, एक एक्स्ट्रा लेयर अप्लाई कर दो सो दैट ऑल्सो वर्कस इक्वली गुड बट क्योंकि मेरे पास हैं आई क्रीम्स तो मैं आई क्रीम्स ही अभी यूज़ करती हूँ जब नहीं होते हैं तो मैं मॉइस्चराइजर का ही एक सेकेंड लेयर लगा लेती हूँ प्रेफरेबली समथिंग विद वाइटमिन ई और कैफिन क्योंकि वो अंडर आई के लिए ज़्यादा अच्छा होता है बट मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ यंडर आई इन द विटर्स क्योंकि हमारी स्किन ड्राई होती है और अंडर आई एरिया वैसी भी स्किन की सबसे ज्यादा ड्राई यू नो स्पॉट होता है एंड विंटर्स में वो और ज्यादा ड्राई हो जाता है सो यूज़ आई क्रीम्स लाइक दिस एंड यूल बी सॉटेड अनदर थिंग दैट तो जैसे अंडर आई हमारी ज्यादा ड्राई हो जाती है सो so आप अंडर आई पे क्रीम या जो भी लगा रहे हो मॉइस्चराइजर वगैरह उसके ऊपर हल्का हल्का ना वेजिलीन ऐसे डाप कर लो तो आपका मॉइस्चर लॉक रहेगा बाहर नहीं जाएगा सो आई मोस्टली डू दिस

बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और सुबह तक मेरे लिप्स अच्छे से प्लम्प और हाइड्रेटेड रहते हैं

कर देते हैं तो विंटर्स में ज्यादा स्किन केकी लगने लग जाती है पाउडर्स की वजह से बहुत ज्यादा ड्राई और फ्लेकी हो जाती है सो आई लाइक यूजिंग क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स इन द विंटर्स वही आप भी करो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा यूज क्रीम बेस्ड हाईलाइटर्स की क्रीम बेस्ड ब्लशेस क्रीम बेस्ड एवरी थिंग पॉसिबल एंड इफ यू डोंट लाइक वेरी वेरी शाइनी सारा बेस क्रीम बेस्ड यूज करने के बाद लाइटली लूज पाउडर से डैप कर लो तो आपको एक मैट लुक भी मिल जाएगा बट अंदर ही अंदर आपकी स्किन उतना ज्यादा ड्राई भी नहीं होगी सो या दीज वो ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल मैंने सारे प्रोडक्ट्स नहीं दिखाए हैं जो मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप इट क्रिस्प एंड प्रिसाइज तो जितने भी मेरे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन हैं इन सारे कैटेगरीज में मैं वो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप चेकआउट कर सकते हो एंड ये जो मौसम चल रहा है ना ना ही गर्मी है ना ही सर्दी है तो मैं बिना पंखे के बैठी हूँ एसी में ज़्यादा ठंडा हो रहा है एंड बिना पंखे के मुझे पसीना आने लगा है सो आई विल जस्ट एंड दिस वीडियो राइट योर इट मुझे कॉमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं एंड ड्रॉप इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो वॉट द टाइप ऑफ वीडियोज़ यू वॉन्ट मी टू मेक एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक द वीडियो शेयर इट विद